खूबसूरत कपल है धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जी, बहुत मेहनती कपल हैं, बहुत ही ऑनेस्ट सिंपल और हार्ड वर्किंग हैं और इन्होंने कमाल कर दिया। आप उनसे सुनेंगे कि एक साल में उन्होंने कितने फाउंडर्स एंड एमरल्ड्स एंड हाउ मैनी प्लैटिनम्स एंड अबव इतने बनाए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। 40 प्लैटिनम्स इन वन ईयर, 40 प्लैटिनम्स एंड अबव, 12 एमरल्ड्स एंड अबव, एक साल में 12 एमरल्ड्स एंड अबव और एक साल में एक डायमंड भी, और आप EDC गए। सो ऐसे कपल को मिलना है, बुलाएं उनको। सो आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट में हम बुलाने जा रहे हैं ग्रेट यूनिक कपल धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा। नमस्ते। जब EDC जाते हैं तो बहुत भारी प्लैक मिलती है, जो बहुत भारी है, तो इसमें लिखा है धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा न्यू EDC, और साथ में लिखा है द ओनली लिमिट्स टू द ब्यूटी ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स फुलफिल्ड टुमारो आर द डाउट्स एंड लैक ऑफ फेथ एंड एक्शन टुडे। यू हैव कंकर्ड योर डाउट्स बाय एक्शंस ऑफ फेथ रिजल्टिंग इन आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट्स for all to observe. You are a leader by example who can encourage others by earning the right to say with confidence, if we can overcome, you can overcome. We welcome you, Bell and Pregivate Free Enterprise Air Celebrations 2017. पंजाब सच
सत श्री अकाल। कितने लोग हैं जो डायमंड जा रहे हैं? मुझे लगता है फिटी खत्म हो चुकी है, राइट? सच में मुझे नहीं लगता कि अभी जरूरत है किसी और टॉक की, क्योंकि मुझे तीनों डायमंड्स को आपने सुना वो दिल से बोले थे, और आज जिसने दिल से सुना है वो यहां पे आज डायमंड आने वाले हैं। दोस्त, मुझे बस एक बात समझ में आई इस बिजनेस में, जो ये डायमंडशिप का बीज है ना, ये कभी खराब नहीं होता है। सपने का बीज कभी खराब नहीं होता है, एक दिन वो रूप लेता है, बड़ा पेड़ बनता है और उस पर फल लगते ही लगते हैं। दोस्त, अगर आप उसे सींचते हैं पैशन के साथ में, अगर आप उसको खाद पानी देते हैं अपनी मेहनत का, फेथ के साथ में, तो एक दिन वो पेड़ बनेगा ही बनेगा, उसे फ्रूट लगेंगे ही लगेंगे। दोस्त, ऐसी एक एफईडी में जब किसी डायमंड की, यहां एक एफईडी नहीं, जो हमारी फर्स्ट एफईडी थी, मुझे याद है, मैं और मीनाक्षी, हम दोनों के दोनों ये रॉकी म्यूजिक पहली बार सुना था, और इस म्यूजिक में पता नहीं क्या था। अभी भी मैं पीछे अपने डायमंड को बोल रहा था कि यार, इस रॉकी म्यूजिक में कुछ अलग बात है, शायद कोई और म्यूजिक होता तो वो शायद रोंगटे खड़े नहीं हो पाते जो इस म्यूजिक से होते हैं। आप में से कितने लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं जब ये रॉकी म्यूजिक बजता है? हमें अपनी पहली एफईडी याद है, उसी एफईडी में एक डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ था और एक सपने का बीज अंदर डल गया था उसी दिन कि जाएंगे तो इस बिजनेस में बस डायमंड जाएंगे, और उसने आज इतना बड़ा रूप ले लिया उस बीज ने। दोस्त, आज आप भी ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, जिस भी गुरु को, ईश्वर को मानते हैं, आज उससे जरूर प्रार्थना करें, आज कुछ और समझ में आए या ना आए, बट आज ये डायमंड का बीज अपने दिलो दिमाग में गहराई में दबा के लेके जाना। दोस्त, डायमंड बन के यहां पे होंगे और हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, आपके अपलाइन आपको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। दोस्त, और अभी डॉक्टर बड़ैच अंकल आंटी, राइट, वो क्राउन गए और ये क्राउन का बीज डल चुका है, आने वाले 2-3 साल में एज अ क्राउन यहां पे दिखेंगे आपको, राइट। सपने का बीज कभी खराब नहीं होता है। दोस्त, इतना आसान नहीं था सब कुछ, लेकिन हम लोग बताएंगे अपनी इस जर्नी में हुआ क्या हमारे साथ में, हमने क्या किया, और कुछ खास नहीं किया था, बस लगातार किया था। गट्स चाहिए होते हैं सक्सेस के लिए, चाहे बिजनेस हो या कोई भी लाइन हो। दोस्त, यहां पे अगर हम खड़े हुए हैं तो हम, ये जीत हमारी दोनों की नहीं है, बहुत से लोगों का हाथ रहा है जो हम बात करेंगे यहां पर। बट कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं ऐसे किसी फंक्शन में? नए लोग, आपका वेलकम है। दोस्त, तालियां बजा सकते हैं इन सब लोगों के लिए, स्वागत है आपका। आप लोगों के लिए वी आर मीनाक्षी राणा और मैं इनका मैचिंग हस्बैंड धर्मेंद्र राणा, फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम डॉक्टर बड़ैच घराना, राइट, ऐसे घराने से ताल्लुका रखते हैं हम लोग। मेरा बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, फिर मैंने MBA किया, मल्टीनेशनल्स में जॉब किया है, लगभग 15 साल जॉब किया, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड किया है। और मेरे फादर जो XCM रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और बेटा और बाप दोनों एक ही साल में रिटायर हुए थे, तो ये बहुत कमाल की बात है, इस बिजनेस के थ्रू हो सकता है। और छोटा सा बेटा है हमारा, अब ये देखा आपने उसको वीडियो में, उसको मैं गुलगुला बोलता हूँ, गुलगुला हरियाणा में एक लोकल स्वीट होती है जो बहुत ही नर्म होती है और बड़ी मीठी होती है, तो ऐसा ही है वो। और हम दोनों खूब मस्ती करते हैं, दबा के मस्ती, अभी देखा होगा धींगा मस्ती होती है। कई बार मेरी माँ आती है और कहती है मुझे ये नहीं पता लग रहा बेटा कौन सा पोता कौन सा है, राइट। तो बचपन दोबारा आ गया है इस बिजनेस के कारण, आज क्योंकि फ्री हैं, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पेरेंट्स के साथ रह पाते हैं जब उनको, आज उनकी एज ऐसी कि उनको हमारी ज़रूरत है। अक्सर होता है क्या, जब उनको ज़रूरत होती है पेरेंट्स को तो हम उनके साथ नहीं होते हैं, बड़ी ब्लेसिंग है कि आज उनके साथ हैं। और मीनाक्षी ने MCA किया है, मल्टीनेशनल्स में जॉब किया है इसने भी काफ़ी साल, पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया था, लगभग 7-8 साल पार्ट टाइम में किया, और आज लगभग 10 साल हो गए हैं मैं जॉब में नहीं जाता हूँ, एक ही बॉस है। इतना खूबसूरत बॉस हो तो क्या बात है यार, राइट। पहले 2 बॉस थे, एक ऑफिस में और एक ही है, राइट। और ऑफिस वाले बॉस को इतना सुनते थे कि इसको सुनने का टाइम नहीं मिलता था, और अभी सारा दिन इसी को सुनता हूँ, राइट। और पहले जब सुनता भी था तो इतनी मधुर नहीं लगती थी, बट अभी बहुत मीठी लगती है। और टाइम और पैसे का जब कम्बिनेशन होता है, प्लस जब इस सिस्टम का साथ आपको मिलता है, जब यहाँ के आपको ऐसी एथिक्स मिलते हैं, तो फिर है ना, इस रिलेशनशिप का मजा कुछ और हो जाता है। सो वी आर enjoying life इज सेलिब्रेशन टूडे, हमें किसी त्यौहार का वेट नहीं करना पड़ता लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। हर दिन हमारे लिए दिवाली, हर दिन होली है, हर दिन नया साल है, हर दिन आज जिंदगी को enjoy कर रहे हैं। दोस्त, आपने अभी अगर CD देखा होगा उसमें भी लास्ट में एक लाइन लिखा था, टैग लाइन वही था, राइट, लिविंग लाइफ एट आवर ओन पेस, अपने हिसाब से अपनी स्पीड से आज जिंदगी को जी रहे हैं। दोस्त, दुनिया भाग रही है, कहाँ भाग रही है उनको भी नहीं पता है, लेकिन हमें हर मोमेंट का एहसास होता है, हर मोमेंट को जीते हैं हम लोग,
जिंदगी को काट नहीं रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, राइट। और ये आपके साथ में हो सकता है। और सेलिब्रेशन की बात करें तो बहुत सा मजा आ रहा है। अभी घर आपने देखा, घर नया बना है, रेनोवेट हुआ है पूरा, और हम पूरा दुनिया घूम रहे हैं। अभी हम लोग कुछ खाली ट्रिप्स की बात करूं अगर आपसे, तो हमने पिछले साल हमने मई में हमें डायमंड इनविटेशन ट्रिप पे साउथ अफ्रीका भेजा था। जुलाई में हम लोग, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, राइट, तो पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी और हमने एनिवर्सरी जो थी उनके साथ मनाई थी श्रीलंका में, राइट। जो पेरेंट्स कहते थे बिजनेस नहीं चलता है, हमने कहा उसी के रिवार्ड आपको देंगे, और अच्छा बदला लिया हमने उनसे। और नवंबर में हमारी एनिवर्सरी थी तो हमें बाली का ट्रिप दिया और हमने बाली पे अपने टीम के साथ बीच के ऊपर हमारी एनिवर्सरी मनाई। अगले महीने मीनाक्षी का बर्थडे था तो बर्थडे हम लोगों ने पर्सनल ट्रिप लिया बैंकॉक का, तो मीनाक्षी का बर्थडे हमने बैंकॉक में मनाया। उससे पिछला जो जन्मदिन था मीनाक्षी का वो हमने पेरिस में एफिल टावर पे मनाया था। कब तक यार अपने बेडरूम में रात को 12 बजे अचानक केक लेके आओगे फ्रिज में से, वही 150 रुपए 200 रुपए का, और वाइफ को बोलोगे सरप्राइज, राइट, काहे का सरप्राइज। वो कहती हर साल मुझे पता ये सरप्राइज काहे का सरप्राइज है बॉस, राइट, कुछ ऐसा भी करिए, राइट। और अभी जो मीनाक्षी का बर्थडे फिर आ रहा है, राइट, और हम लोग इस बार दुबई में मना रहे हैं। और उसके बाद अभी हम लोग अगस्त में मॉरिशस गए थे, मीनाक्षी और मैंने अपना पर्सनल ट्रिप किया था मॉरिशस में, हम लोग गए, उस ट्रिप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और फिर मई में फिर हमें स्पेन लेके जा रही है। हेलो, हमारे हरियाणवी में कहते हैं और के लुट्टा का भाई, हेलो, ऐसी लाइफ चाहिए है किसी को, राइट। एक बार मेरी टीम में एक बंदा मुझे बोल रहा था, बोला वैसे तो दो ही लोग हैं जिनका पता नहीं होता वो इंडिया में है कि बाहर है, बोला मोदी जी और एक आप हैं, राइट। और मोदी जी में और मेरे में एक फर्क है, मोदी जी आज तक उस जगह कभी नहीं गए जहां मैं फिर भी जाता हूं, कहां पे, ससुराल में, राइट, मैं तो उनसे ज्यादा जाता हूं, राइट। सो और ससुराल में ऐसा आज करोड़पति दामाद हो जो उनकी बेटी को ऐसे हाथों पे रखता हो, तो फिर वहां जाके सोचिए आप कितनी खातिरदारी होती होगी, राइट। नहीं तो आजकल हम ना अपने बाप दादा से ही सुना करते थे कि दामाद मतलब है ना कि जब हम ससुराल जाते थे ये होता था, तो हम जब जाते हैं अक्सर तो लगता है कि यार ऐसा होता था क्या कभी, राइट। तो आजकल जिस तरह का है, लेकिन हमें आज वही रुतबा वही मस्ती मिल रही है। मॉरिशस की बात आपको बताता हूँ, जब मॉरिशस गए थे ये पर्सनल ट्रिप था, और हमने बिजनेस क्लास से हम लोग गए, हमने ये नहीं सोचा था कि हम इकोनॉमी क्लास में जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत बिगाड़ चुका है, बिजनेस क्लास में लेके जाता था, हम बिजनेस क्लास में गए। और हमने एक विला बुक किया था, राइट, एक विला था 1 एकड़ में, वो विला था, राइट, इट वॉज लाइक अ रिजॉर्ट। और उस विला में खाली मैं और मीनाक्षी और एक हमारी केयर टेकर, राइट, और वो भी इंडियन थी केयर टेकर जो थी, वो जान के हमने ऐसा विला लिया था, तो सुबह से शाम तक हमारी केयर करती थी। स्विमिंग पूल था उसमें, राइट, 2 बेडरूम थे, एवरीथिंग वॉज डबल, राइट। और क्योंकि आप 10 दिन रुक रहे हैं तो 5 दिन अलग पोर्शन में आप मस्ती करो और 5 दिन अलग पोर्शन में मस्ती करो। खास था वहाँ का बेड, दोनों बेडरूम में इतना बड़ा बेड था जितना ये पोडियम का आधा जो होगा, इतना बेड था, लगभग 10 लोग उसमें सो सकते हैं। 10 दिन में ये नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा क्यों था, राइट, बट अच्छा होता है ज़्यादा बड़ा बेड हो तो, राइट, ओके। सो बहुत मस्ती की हम लोगों ने, और हमने गाड़ी हमने रेंट पे ले ली थी वहाँ पे, आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, तो गाड़ी हमने एयरपोर्ट से ही हमने गाड़ी ली, एक लग्जरी गाड़ी हमने ली, और एयरपोर्ट पे ही वापस छोड़ी थी आफ्टर 10 डेज। 60 किलोमीटर में टोटल ये आइलैंड है। लोगों ने कहा 2 दिन के अंदर पूरा घूम जाता है, मैंने कहा भैया तेरा घूमना मेरा घूमना अलग होता है, राइट। तो हम लगभग 5-6 चक्कर लगा चुके थे पूरे कंट्री के 10 दिन के अंदर, राइट, एक आइलैंड है छोटा सा अगर आपको पता होगा तो। इवन वहाँ के लोकल लोगों को हम डायरेक्शन बताते थे कि वहाँ खंबे से वहाँ से मुड़ जाना तो वो आ जाएगा, राइट, इतना ज़्यादा उसके बारे में पता लग चुका था। तो हम किसी कंट्री को छूना नहीं चाहते हैं, हर कंट्री को ऐसे जीना चाहते हैं, हर ऐसे देखना चाहते हैं, राइट। और बहुत मज़ेदार था क्योंकि बारिशों का मौसम था, बारिशों के मौसम में सोचिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी है, आपको पीवी की चिंता नहीं है, बीवी, खूबसूरत बीवी आपके लेफ्ट में बैठी हुई है, बारिश हल्की हल्की है, समुद्र के किनारे किनारे वे रोड थी, ये समुद्र है, वाइट सैंड है, नीला समुंदर, हल्की हल्की बारिश, वाइपर ऐसे चल रहा है, और मीनाक्षी 70s के पुराने गाने गुनगुना रही होती थी। आप एक बार सोच के देखो, अभी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी वाइफ आपके साइड में बैठी हुई है, और बारिश के अंदर आपकी बीवी पुराने फिल्मी गाने सुनाते हुए आंखों में आंखें डाले हुए आप उस विदेश की सड़क के ऊपर जाए जा रहे हो, और क्या लूटोगे भाई, और क्या लूटोगे, राइट। सो लाइफ इज अमेजिंग। अगर मैं खाली ट्रिप्स की बात करूं तो यहाँ पूरा दिन हम लोग ट्रिप की बातें कर सकते हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। बट आज हम ये नो वन से संबन हो गए हैं, उसमें मेरा और मीनाक्षी का बहुत छोटा सा रोल है, राइट। आज अगर ये सबसे बड़ा जिसमें किसी का हाथ है तो ऑलमाइटी गॉड का है, राइट। अगर उसकी ब्लेसिंग नहीं होती तो हमारी औकात नहीं, हम 6% भी चले जाएं, EDC तो बहुत बड़ी बात है।
तो ये सब कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, उसने हमें चुना और आज इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया और हमारी रिकग्निशन हो रही है, राइट। और उसके बाद हम थैंक्स करेंगे ग्रेट कॉर्पोरेशन, वी कैन क्लैप फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दो बड़े रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स और दूसरा वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको हर कोई कर सकता है। अभी आपने देखा अलग अलग बैकग्राउंड से लोग, अलग अलग स्टेट से लोग हैं जिन्होंने कामयाबी के कदम चूम लिए हैं। इस बिजनेस में ऐसी ताकत है, राइट। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं आपको बताता हूं मुझे इस बिजनेस का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा है, वो है सक्सेस। उससे पहले मुझे पता क्या लगता था, मुझे लगता था सक्सेस मेरे लिए नहीं है। मीडियोकर लोग सोचते हैं सक्सेस हमारे लिए नहीं है, शायद किसी और के लिए बनी है, शायद मैं सक्सेस कभी नहीं ले पाऊंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ऐसी ही चली जाएगी। लेकिन ये कॉर्पोरेशन से जिसके पता लगा कि एवरीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल, हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, यहां आके मुझे पता लगा कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ऑब्लिगेशन, हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स अवर फैमिली, अवर स्टेट, अवर कंट्री एंड दिस यूनिवर्स इज टू बी सक्सेसफुल। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है दो सक्सेसफुल होना, इससे बड़ा किसी का भला नहीं कर सकते हैं। आप सक्सेसफुल होकर ही लोगों का भला कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, देश का, समाज का भला कर सकते हैं दोस्त। लेकिन तब पता लगा कि ये जो सक्सेस है ना, ये एक स्किल भी है, ये स्किल है। क्यों मैं कामयाब हो सकता हूं, उस दिन पता लगा जिस दिन BWW से जुड़ गया। एक बार क्लैप कर सकते हैं इस ग्रेट सिस्टम के लिए, राइट। जब इस सिस्टम से जुड़ा तो पता लगा इस स्किल, इट कैन बी अटेंड, इट कैन बी मास्टर्ड। और यहां पे वो मास्टर थे जिन्होंने खुद सक्सेस को लिया था, उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना था, उन्होंने प्रैक्टिकली वो प्रिंसिपल फॉलो किए थे, उन प्रिंसिपल को फॉलो किया और हम लोग आज यहां पर हैं। आप ताली बजा सकते हैं उन सब डायमंड्स एंड अबव की जो पूरे वर्ल्ड में BWW की सेवा कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं कोई लाइन हमने सुनी थी, किसी ना किसी टिप को हमने लिया था किसी सेमिनार से, किसी सीडी से, जिसको अप्लाई किया और हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। नहीं तो हमें कुछ नहीं आता था बॉस, पर ये पता लग गया था सीख के हम यहां पर आ सकते हैं, सीखने के लिए तैयार थे। हमारी अपलाइन ने कहा था तीन चीजें चाहिए आपको इस बिजनेस में। नंबर एक, विलिंग टू लर्न, सीखने के लिए तैयार रहें। दूसरा, विलिंग टू चेंज, बदलने के लिए तैयार रहें। और तीसरा, विलिंग टू वर्क। हमने तीनों प्रिंसिपल्स को अपनाया, बाकी कुछ खास सीक्रेट नहीं है दोस्त, राइट। और एक बार जरूर मैं चाहूंगा तालियां यहां पे बैठे हुए जितने भी एमरल्ड एंड अबव हैं, मेरा और मीनाक्षी का सैल्यूट है आप सबको, वी सैल्यूट यू, राइट, वी सैल्यूट यू। क्योंकि सर आप लोगों से कहीं ना कहीं सीखा, जब हमारा होप का दम टूट रहा था, जब हमें लग रहा था हम नहीं चल पाएंगे बेनीपाल साहब, राइट, कहीं ना कहीं आपको देखा सैनी साहब, कहीं ना कहीं आपको देखा, राइट। और मैं यहां सबके साथ नाम नहीं ले पाऊंगा, बट आप सब लीडर्स को देखा, आप सब लीडर्स से सीखा। आप नहीं होते, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते, आप अपनी पिने चेंज नहीं हो रहे होते, तो हम लोग इस बिजनेस को बराड़ साहब छोड़ चुके होते शायद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अवर लाइव्स, राइट। इन लोगों के बदौलत, अशोक अरोड़ा जी, राइट, मैं किन किन के नाम लूं, हम लोग 9% अबव मीटिंग यहां पे होती थी, मैं और मीनाक्षी गाड़ी लेके यहां पे पहुंचते थे सुबह, यहां पे सवेरे 5 बजे वहां से निकलते, दोपहर को शायद पहुंचते यहां पे, 9% 12% अबव ट्रेनिंग्स होती, इन ट्रेनिंग्स को सीखा हमने, वापिस जाते थे, फिर सवेरे जॉब में जाते थे और उनको अप्लाई किया, जस्ट उनको अप्लाई किया और यहां तक, ग्रेवाल साहब थैंक यू सो मच, राइट, हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। तो इतने लीडर्स से हमने यहां पे सीखा है, तो एक बार जबरदस्त तालियां इन सब लीडर्स के लिए, राइट, वी बो टू यू, राइट। और उसके बाद हम यहां पे जरूर चाहेंगे कि एक बार हम क्लैप करें हमारे स्पॉन्सर, राइट, हमारे स्पॉन्सर मिस्टर ललित एंड बिंदु आनंद, राइट, एक बार उनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आज हम किसी भी पिन पे जाते हैं तो पहला फोन हमें आ रहा उन्हीं को जाता है कि आपकी बदौलत हम लोग यहां तक हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज वो बिजनेस में नहीं है, फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना हक अदा करें, हम उनको अपनी डाउनलाइन में लेके आए, बट आज डाउनलाइन में भी नहीं है, अभी आपके लिए ओपन है, क्योंकि इस बिजनेस में तीन ही रिश्ते होते हैं, अपलाइन, डाउनलाइन या फिर क्रॉस लाइन। तो ना अपलाइन में हो पाया ना डाउनलाइन में हो पाया, तो अब शायद क्रॉस लाइन में कुछ हो सकता है, तो आप शायद उनको, राइट, यू कैन गेट हिम। और उसके बाद ग्रेट ग्रेट जबरदस्त LOS है हमारे, कोई इनिशियल डेज में जिन्होंने हमें सिखाया, उनका नाम है मिस्टर विकास गंडोत्रा एंड सोनम गंडोत्रा फ्रॉम पठानकोट, राइट, उनसे सीखा हमने इस बिजनेस को। और उसके बाद एक ऐसे फ्रेंड हमें मिले जो हमारे जो मित्र थे, बिजनेस में पार्टनर थे, जो हमारे मेंटर थे, वो कंवारे थे लेकिन हमें ये सिखाते थे हस्बैंड वाइफ रिलेशन रखे कैसे जाते हैं, और उनकी वो टिप सच में काम करती थी, लीडरशिप गुण उन्होंने हमें सिखाए, इज नन अदर देन मिस्टर इंद्रजीत अनपढ़ना जसमे, राइट। उन्होंने जो कुछ हमें दिया है इस बिजनेस में मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके बाद ग्रेट ग्रेट अपलाइन, वी आर वेरी इमोशनल, राइट, ही इज सिटिंग राइट हियर, ओके, और वो एक्साइटमेंट है उसमें, उनमें ह्यूमर कमाल का है, राइट, मिस्टर सर्वजीत सिंह गोल्डी एंड कमल जी, राइट, अमेजिंग लीडरशिप, राइट, अमेजिंग लीडरशिप।
और उसके बाद शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है जिनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, राइट, पूरा वर्ल्ड जिनको जानता है, उनसे हम मिलते हैं। मैं तो बोलता हूँ मीनाक्षी को कि कई बार हमारी जो उनके साथ काउंसलिंग होती है ना, वो शायद वर्बल इस तरह की नहीं होती, वो जो काउंसलिंग होती है ना वो आत्मा से होती है उनके साथ में, राइट, स्पिरिचुअल हैं वो, मैं तो कहता हूँ गॉड के बहुत नजदीक हैं। उनसे खाली मिल लें तो आपके कितने ही पाप धुल जाते हैं, मुझे तो ये लगता है, राइट। मैं उनको इस नज़र, मैं और मीनाक्षी इस नज़र से देखते हैं आज इस बिजनेस में, अब जहाँ पे भी हैं आज उनके कारण है, उनकी ब्लेसिंग्स के कारण है। नन अदर देन ओनली इंडियन क्राउन इन द वर्ल्ड डॉक्टर हरभजन मोहिंदर कौर बड़ैच, एक बहुत अच्छी क्लैप हम उनको कर सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, राइट। अमेजिंग पर्सनैलिटी, अमेजिंग कपल, पूरे दुनिया में लोगों को सिखा रहे हैं हंसना, अच्छी लाइफ जीना, राइट। और डॉक्टर बड़ैच अंकल आंटी के बारे में हम एक बात बोलेंगे कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिंदगी, जन्म लेना बहुत सरल है, मरना भी बहुत सरल है, ऐसे ही सक्सेस भी बहुत सरल है और फेल होना भी बहुत सरल है, हाँ या ना? लेकिन जो ये सरल होना है ना, ये बहुत कठिन है दोस्त, ये बहुत कठिन है। और ये कपल जीती जागता उदाहरण है, वो बहुत सरल है, इसलिए आज वो क्राउन है दोस्त, राइट, वो क्राउन है। और एक बार मुझे याद है जब हम गुड़गांव में उनसे मिले एक बार, और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था, लोग मान नहीं रहे थे, जिसके पास जाते थे कहते जी ओ किट ऐसे पही है देखो, है ना, जिसका जाते थे बोला मैं भी बना था जी, क्या बना था पता नहीं, बट बोला बना था जी, बोला ये प्रोडक्ट देखो मेरे घर में पड़े हुए हैं, सील खोली नहीं कभी उन्होंने। तो मैं गया डॉक्टर बड़ैच के पास में और हमने कहा कि आंटी ये हमारे साथ हो रहा है, जहां जा रहे हैं लोग बोलते हैं हम तो पहले से जानते हैं। बोले बेटा चिंता ना कर, किसी भी शहर को किसी भी देश को एक लीडर चाहिए होता है रिवॉल्यूशन के लिए, हो सकता है गुड़गांव में तू रिवॉल्यूशन लेके आएगा। और वो शब्द ऐसे घुस गए अंदर और हमने सोच लिया था कि यस वी विल प्रूव दैट, राइट। और उन्हीं शब्दों को याद कर करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहे और यहाँ पर हैं। और लास्ट में, राइट, हम यहाँ पे थैंक्स करेंगे, एक एक हीरा तो अभी आपने देख ही लिया, राइट, कोहिनूर है वो तो हमारा, राइट। और सही कहा था, वो बीच में ही ताकत होती है, हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, आपने उनको सुन के ही महसूस कर लिया होगा, राइट, अशोक पंडित और संतोष को, उनके अंदर ही वो चीज है, वो लीडरशिप है कि उन्होंने कमाल कर दिया। तो ऐसे ही बहुत से हीरे हैं जो हर साल अभी आप देखने वाले हैं, हर साल वो आएंगे यहाँ पे स्टेज पे और आप रूबरू होंगे उन सबसे। तो आज उस टीम का थैंक्स, एक बार हमारी टीम के लिए जबरदस्त तहे दिल से तालियां बजाइए। आज उनके पसीनों के कारण, उनके एक एक पीवी के कारण, एक एक प्लान के कारण हम लोग यहाँ पे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे नहीं होते। तो थैंक्स टू एवरीवन, राइट, जो हमारी टीम में है आज, उनके कारण। और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, सबसे ज्यादा रादर, सबसे ज्यादा थैंक्स इस लड़की का, राइट। हर एफईडी में हमारा बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, ये छोटी होती जा रही है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे इसके मैचिंग में रहने के लिए। इसको जब भी देखता हूँ मेरे घुटने कमजोर पड़ जाते हैं, राइट, फीलिंग वीक इन द नीज बोलते हैं, राइट। आई लव यू, तेरे को खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, राइट, सीरियसली। आज इस बिजनेस में आज जहाँ पे भी हैं और जहाँ आगे जाएंगे वो मीनाक्षी के लिए है और मीनाक्षी के कारण जाएंगे। ईश्वर करे ऐसी पार्टनर सबको मिले। मैं तो कहता हूँ भादुगढ़ की रहने वाली है और हमारे यहाँ ये गाना आया था कभी भादुगढ़ का बम, राइट, तो मैं इसके पेरेंट्स को बोलता हूँ कि भादुगढ़ में जो था वो तो मैं ले आया हूँ, अभी तो वहाँ सूना पड़ा हुआ है, राइट। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माई प्रिंसेस, माई डीसी ब्राइड, माई मिस यूनिवर्स मीनाक्षी राना फॉर यू। हाँ जी, कितनी लेडीज को ऐसा वेलकम चाहिए अपने हस्बैंड से? यस, उसके लिए आपको स्टेज पर आना चाहिए डायमंड बनकर। और मेरा नाम मीनाक्षी राना है, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, और इस बिज़नेस में हम लोग अपनी जॉब्स के साथ साथ हमने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया है। और ये बिज़नेस मेरे हस्बैंड ने देखा था, उनके कलीग ने उनको ऑफिस में दिखाया था और इन्होंने ऑफिस में ही साइन अप कर लिया था, और मेरे सिग्नेचर भी इन्होंने वहीं कर दिए। और नेक्स्ट डे संडे था और इन्होंने मुझे और मेरी मदर इन लॉ को प्लान दिखाया और हम इतने एक्साइटेड हो गए, हमने कहा ये तो करने जैसा है, इन्होंने कहा कर लिया है। तो इस तरह से हमारी इस बिज़नेस में शुरुआत हुई। और अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि कौन सी क्वालिटी हम दोनों में है जिसको मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, है ना, ड्रीमर होने के अलावा, और वो जो फ्रंट सीट्स पे यहाँ लोग बैठे उन सब में भी है, और वो है लगातार चलने की क्वालिटी, है ना। इस बिज़नेस में डायमंड जाने तक हम लगातार चलते रहे बिना किसी ब्रेक के। और फ्रेंड्स, इनिशियल सक्सेस लेने में हमें 5 साल लगे, है ना, इस बिज़नेस में जो लेवल बोला जाता है प्लैटिनम, 5 साल में हम लोग उस लेवल पर हम लोग पहुँचे। क्या वो इजी था? नो। क्या हर कोई हमारे साथ था? नहीं। हमें भी यही लगता था, क्या हम ही समझदार हैं, है ना, क्या हमारे रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, क्या किसी में अकल नहीं है जिसको ये बिज़नेस समझ में नहीं आया? और जब घर की दहलीज को क्रॉस करते थे,
है ना, तो सिर झुकाए और पेरेंट्स की इतनी इतनी बातें सुनते हुए हम वो क्रॉस करते थे, तो इट वॉज नॉट ईजी, है ना। लेकिन हम लोग हमेशा ईश्वर का थैंक्स करते हैं कि थैंक्स गॉड हम लोग इस बिजनेस में टिके रहे। और फ्रेंड्स 12 साल लगे हमें इस बिजनेस में डायमंड जाने में, और मैं सोच रही थी अभी पिछली एफईडी में कि 12 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार पड़ी। क्योंकि ये लगता था कि अगर मैं अपनी मदर इन लॉ क्योंकि ये लगता था कि अगर बीमार पड़ के ये कहा कि घर का काम नहीं करूंगी और शाम को मीटिंग में जाऊंगी तो कहेंगे अच्छा मीटिंग में जाने के लिए बीमार नहीं हो, घर का काम करने के लिए बीमार हो। फ्रेंड्स और राणा जी की भी एक बार बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज आया, ये बैठ नहीं पाते थे, और कितनी बार ऐसा होता था कि मैं ड्राइव करती थी और ये सीट पर लेटे रहते थे, लेकिन जब हम प्लान दिखाने उस बंदे के घर पर पहुंचते थे तो ये प्लान दिखाते थे और उतने ही एक्साइटेड होकर। इट वॉज नॉट ईजी। और फ्रेंड्स हमारा बेटा हमारी शादी के 17 साल बाद हुआ, लेकिन वो प्रोसेस वो हमेशा रहा, 5 बार IVF, है ना, और हर बार 15 दिन का बेड रेस्ट, और फिर से मैंने ये नहीं कहा कि जब बच्चा हो जाएगा तब ये बिजनेस करूंगी, है ना। बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि अभी हमारे बच्चों के एग्जाम है तब उसके बाद करेंगे, है ना, अभी तो बच्चों का 10th 12th है, एक बार ये सेटल हो जाए फिर करेंगे, अभी तो स्टूडेंट है जॉब लग जाए फिर करेंगे, है ना, अभी तो हस्बैंड की प्रमोशन हुई है फिर करेंगे। फ्रेंड्स कब करेंगे, अभी करना पड़ेगा, है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम, यही सही समय है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना, सक्सेस की बातें करना सुनना बंद कमरे में लाइट्स के सामने इतने अच्छे पॉजिटिविटी के अंदर बहुत आसान होता है, है ना, बहुत आसान होता है इस क्वेश्चन का आंसर देना कि कौन कौन डायमंड जा रहा है, हर किसी के हाथ खड़े हैं। लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, है ना, और जब आपका कोई TV प्रोग्राम आ रहा होगा और उसको स्विच ऑफ करके आप लोग प्लान दिखाने के लिए जाएंगे और वहां पर ना मिलेगी, और अगले दिन फिर जाएंगे और फिर जाएंगे और जाते रहेंगे, तब आप वहां से उठकर यहां आएंगे। और लेडीज, है ना, हम जॉब तो कर लेते हैं उस वक्त हम बच्चों को छोड़ते हैं, लेकिन जब शाम को जब आप अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे, है ना, आपके बच्चों ने ठीक से खाना नहीं खाया, उनका होमवर्क पेंडिंग है, उनकी नींद पूरी नहीं हुई, और जाते हुए जब वो आपका पल्ला पकड़ते हैं और कहते हैं कि मम्मी मत जाओ, है ना, जब आपके आपके इन लॉज हो सकता है कहें कि कैसी मदर हो, है ना, पैसे के पीछे बच्चों को छोड़ के जा रही हो, यही तुम्हारा भविष्य है, पैसे के पीछे मत पड़ो, इनको देखो, लेकिन फिर भी आप जाओगी और वहाँ कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वहाँ से ना मिलेगी, वहाँ पर कोई रिटेलिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर जाओगी और लगातार जाते रहोगे, तब वहां से उठ के यहां पर आओगे। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? फ्रेंड्स मैं कहीं पर पढ़ रही थी, उसमें लिखा था सफलता अंतिम नहीं है, असफलता फैटल नहीं है, जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। क्या आप अपना ये सफर जारी रखने का साहस रखते हैं? ये जो रिवॉर्ड्स यहाँ से बताए गए किस किस को अच्छे लगे? आज हमारी लाइफ भी टोटली बदल चुकी है, आज कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे लॉज पूरी तरह से हमें साथ देते हैं, हमारा 3.5 साल का बेटा है जैसे अभी बताया राणा जी ने, उसको टेक केयर करते हैं, है ना, आज वो फुल्ली सपोर्ट करते हैं।
और आज मुझे जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड जॉब से फ्री हैं, एक दूसरे के साथ हम क्वांटिटी क्वालिटी हर तरह का टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। 20 से 25 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं और अभी बिजनेस क्लास से जाते हैं और अभी दुबई जाने की तैयारी है। आपके बहुत सारे लीडर्स चल रहे हैं हमारे साथ, है ना। इतनी रिकग्निशन है, इतना मान सम्मान है, अपनी नज़रों में सबसे बड़ी बात, अपनी नज़रों में अपने लिए प्राउड की फीलिंग है। क्या आप वो फीलिंग चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। बस अपना ये सफ़र जारी रखना, आप भी वहाँ से उठ के यहाँ आ सकते हैं। और अभी मैं इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को, ही इज़ ऑसम पर्सनैलिटी, बहुत हार्ड वर्किंग है, मुझे बहुत पैम्पर करते हैं और पिट वर्ल्ड वाइड के लिए बहुत बड़े एसेट हैं और इनकी लीडरशिप में हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत ही गोल्डन हार्ट के हैं। सो ही इज़ माई प्रिंस चार्मिंग, क्राउन इन द मेकिंग, धर्मेंद्र राणा फॉर यू। Wow, awesome, awesome. बेहतर क्लैप कर सकते हैं हम लोग, मुझे लगता है, right? She's amazing. और बल्कि मैं चाहूँगा हम जितने यहाँ पे मर्द बैठे हुए हैं, right? जितने मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग क्यों ना एक बार सल्यूट करें और तालियाँ बजाएं हमारी इन सब लेडीज़ के लिए जो इस बिजनेस में, जो बिजनेस में दिन रात लगी हुई हैं, कितने हैट्स पहनती हैं, कितने रोल अदा करती हैं, घर वालों की सुनती हैं, बच्चों की सुनती हैं, हमारी सुनती हैं और उसके बाद इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन ऑल द लेडीज, राइट। वो माँ हो सकती हैं, किसी की बहन हो सकती है, किसी की वाइफ है, जो इस बिजनेस में कमाल कर रही हैं, उन्हीं के कारण शायद आज बहुत सी पिन स्टेज हो रही हैं। और यहाँ पे जब थैंक्स करने की बारी है तो थैंक्स हमारे यहाँ पेरेंट्स का, और मैंने अभी इसलिए उनके लिए बात की क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारी शायद स्टोरी सुनी हुई है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे बहुत बड़ा मोटिवेशन बने इस बिजनेस में, हमारे लिए अर्जेंसी क्रिएट की उन्होंने, राइट। इसलिए आज उनका थैंक्स करते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे बहुत अपोज कर रहे थे, इस बिजनेस को सफल नहीं हो पा रहे थे, खर्चा ज्यादा होता था, चेक कम आता था। 1200 का चेक आया था पहला हमारा, राइट, और 1200 का चेक आया था और शायद बिल ज्यादा था मोबाइल फोन का। थोड़े दिन तक तो साथ चलता रहा, थोड़े दिनों के बाद उनको लगा साल दो साल, अरे 5.5 साल लग गए यार प्लैटिनम जाने में, इतने निखट्टू लोग थे हम तो, 5.5 साल, और वो 5.5 साल में डायमंड चला गया। पर आपको पता है दोनों के दोनों एग्जाम्पल चाहिए होते हैं, हाँ या ना, राइट। 5.5 साल में हम डायमंड चले गए, ये कोई तीर, सॉरी, राइट, हम लोग प्लैटिनम चले गए, तीर नहीं मारा था कोई, ये कोई गट्स की बात नहीं है, बट गट्स की बात ये है कि 5.5 साल कुछ भी ना होने के बावजूद इस बिजनेस में रुके रहे, लगे रहे, वो गट्स की बात है दोस्त, वो गट्स की बात है। तालियां हमारे लिए तो बजा सकते हैं हम, जब हम किसी को बोलते हैं हमें 5.5 साल लगे प्लैटिनम जाने में, लोग तालियां बजाते हैं। तालियां तब बजाना जब 5.5 साल आप इस बिजनेस में टिके रहे हो, आपके साथ कुछ ना हो रहा फिर भी आप लगे रहे हो, लोगों को जवाब देते रहे कि एक दिन मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, राइट, तब तालियां बजाइए। वो गट्स चाहिए आपको दोस्त, राइट। जब सफल नहीं हो रहे थे तो माँ बाप ने कहा कि या तो ये बिजनेस चुन लो या घर चुन लो, शायद आपके साथ ये नौबत तो नहीं आई होगी। और एक दिन जब रात को हम नहीं माने, हम रोज रात को निकल जाते थे, रात को वापस आए 12 बजे के आसपास, तो हमने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो चाबी नहीं लगी, लॉक कर दिया गया था अंदर से, मुझे लगा शायद भूल गए हैं। मेरी मदर ने दरवाजा खोला, खिड़की खोली, बोली भूले नहीं है, जान के बंद किया है। तुम्हारे फादर कह रहे हैं, देखिए अगेन अभी आप हंस रहे हैं, आप अगर आपके साथ ऐसा हो तब भी हंस रहे होंगे, तब डायमंड जाएंगे दोस्त आप, राइट। हंस नहीं रहे थे हम लोग, मैं हैरान था कि माँ बाप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मेरी मदर ने कुछ नहीं कहा और बंद कर दिया, बोले नहीं उन्होंने मना कर दिया है। हमारे पास मारुति 800 थी उस टाइम, राइट, उसमें रात को सोने की कोशिश की, नींद तो नहीं आ रही थी सवेरे, उस टाइम हम रात को डिसाइड कर सकते थे कि बिजनेस चल नहीं रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा, कोई दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी कली कोई बिजनेस में साथ नहीं है। माँ बाप जिसके साथ कभी झगड़े नहीं होते थे, आज माँ बाप हमसे नाराज रहते हैं, घर में झगड़े होने लगे हैं, तो इस बिजनेस को छोड़ सकते थे हम लोग, लेकिन हमने क्या डिसीजन लिया। सवेरे सवेरे मेरे फादर मदर आई 5 बजे के आसपास, दरवाजा खोल दिया, दरवाजा इसलिए खोल दिया कि उनको लगा पड़ोसी देख लेंगे तो सोचेंगे घर में बहू की सेहत बन नहीं रही है। अंदर गए तो फादर खड़े होते, मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला कि हिंदुस्तान में कोई भी डायमंड चला जाए तेरा बेटा डायमंड नहीं जाएगा। मैंने अपने फादर को एक ही बात बोली थी, हिंदुस्तान में कोई डायमंड जाए ना जाए आपका बेटा डायमंड जाके दिखाएगा। और उस दिन से हमने दम लगा दिया दोस्त, मुझे याद है हम सिल्वर गए थे, गट्स चाहिए दोस्त ये लाइन बोलने के लिए, गट्स चाहिए लाइन बोलने के लिए, हैं आपके अंदर ये गट्स, राइट। 103 लोग थे जब मैं सिल्वर गया था जिस महीने, आज उन 103 लोगों में से एक भी बिजनेस में नहीं है। आपके साथ जब ऐसा हो और तब भी एक्साइटेड रहो अगर, तो डायमंड जाएंगे दोस्त, वो गट्स चाहिए हैं आपको। उन 103 में से एक भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग ओपन मीटिंग के बाहर, बीबीएस के बाहर जब आप जाएंगे, फंक्शन के बाहर जाएंगे, देखा होगा लोग सर्कल बना के खड़े होते हैं,
राइट। हम लोग खड़े होते थे अकेले, दुनिया के सर्कल बने होते थे बड़े बड़े, हम सोचते थे हमारे साथ कब आएगा कोई, मेरा सर्कल कब बनेगा। लेकिन उस दिन भी जब वो सालों साल तक ओपन मीटिंग बीबीएस के बाहर अकेले खड़े होते थे, उस दिन भी विजुलाइज करते थे एक दिन सबसे बड़ा सर्कल हमारा होगा। उस दिन विजुलाइज करते थे हमारे अपनी टीम के सेमिनार हो रहे होंगे। और आज ऐसा ही होता है दोस्त, जब कुछ नहीं हो रहा हो तब वो सब कुछ देख लेना जो होने वाला है। अंत को याद करके शुरुआत करनी है दोस्त, उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। सालों साल एक भी बंदा नहीं था, बट पिछले साल क्या हुआ, क्योंकि देख रहा था पिछले साल टीम में एक डायमंड हुआ, दो फाउंडेड एमरल्ड हुए, 10 नए एमरल्ड हुए, एक सफायर हुआ, कितने ही फाउंडर प्लैटिनम हुए और 40 नए, कितने ही फाउंडर प्लैटिनम और 40 नए प्लैटिनम हुए दोस्त। 40 लोग नहीं ज्वाइन होते थे पूरे साल में और अभी 40 प्लैटिनम, और इस साल तो अभी कमाल होने वाला है, अगले एफडी में आप सुनेंगे राइट। ये सब इसलिए है क्योंकि गट्स थे हम में उस समय जब कुछ नहीं हो रहा था दोस्त, हैं आपके अंदर राइट। फिर मैं आपको अभी उन लीडर्स के बारे में यहाँ पे जरूर बात करूंगा जो हमारी टीम में आए राइट, और उन टीम में जो लोग आए उनके कारण हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। मैं सबके नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, सब लेग्स के, मैं खाली यहाँ उन लेग्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जो प्लैटिनम अबव गई। शुरुआत की तो इतनी लेग्स आई और चली गई, उनका पता ही नहीं है, जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हो सकता है कई बार लीडरशिप के गुण बताते थे हमारी अपलाइन, हो सकता है हमें लीडरशिप के बहुत गुण ना हो, बट एक गुण जरूर मेरे में था, एक गुण जरूर था, अच्छे लीडरशिप रखने वाले लोगों को ढूंढ के ले आता था मैं। मेरे में लीडरशिप के गुण होना है हो, लेकिन जिन लोगों में अच्छे लीडरशिप के गुण थे उन लोगों को बिजनेस में ले आए। अगर ये गुण आप में आ गया तो फिर कमाल हो जाएगा। और ये गुण पता है क्या है, नहीं पता होता जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं उसके माथे पे नहीं लिखा होता ये क्या करने वाला है, पर आप तब तक प्लान दिखाते रहे जब तक वो बंदा आ नहीं जाता है राइट। मैं आपको बताऊंगा अभी हमारी जो पहली लेग जो प्लैटिनम गई राइट, जो पहली लेग थी हमारी प्लैटिनम वो थर्ड नंबर पे गई, वो हमारी 2001 से ही ज्वाइन थी, चलती रही उसके 25 डीप जाके 2008 में आफ्टर 7 ईयर्स एक कपल आया जो रियल में लीडर बना, उसका नाम है नीरज एंड नीति भाटिया। 7 साल वेट करना एक लेग में, उसके लिए गट्स चाहिए दोस्त राइट, गट्स चाहिए। नीरज नीति भाटिया हमारी तीसरी लेग बनी, अभी पिछले साल एमरल्ड गए हैं राइट, उनके नीचे प्रदीप एंड पूजा गुप्ता पिछले साल फाउंडर एमरल्ड गए, इस साल डायमंड शिप कंप्लीट कर रहे हैं। उन्हीं के टीम में एक मंजीत एंड सुखजीत दोनों इंजीनियर्स थे राइट, एक और लड़की अंजलि स्टूडेंट थी राइट, वो फाउंडर प्लैटिनम्स हैं दोनों। सेकंड लेग भी 2001 में स्टार्ट हुई थी और चलते 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 डीप में बहुत डीप कोल्ड कॉन्टैक्ट किया किसी को, और वहां पे एक नरेंद्र अनुराधा राइट पीएसयू में डिप्टी मैनेजर हैं अभी, 2004 सितंबर में ज्वाइन हुए थे वो, पिछले साल उसे एक साल पहले वो एमरल्ड गए, इस साल डायमंडशिप कंप्लीट कर रहे हैं। उन्हीं की टीम में हमें मिले विवेक एंड चारू जैन, गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, पिछले साल एमरल्ड गए। उन्हीं की एक और लेग है रघु एंड अनीता यादव, मेट्रो में दिल्ली में जॉब करते हैं, इस साल एमरल्डशिप कंप्लीट कर रहे हैं, उनके नीचे नए 2 एमरल्ड जा रहे हैं इस साल। थर्ड लेग जो हमारी फर्स्ट बनी थी राइट, वो चलते चलते अगेन बहुत डीप में हमें एक कपल मिला नित्यानंद रितिका रॉय, वो जून 2005 में ज्वाइन हुए थे, 2001 से लेग चल रही थी, 4 साल बाद ज्वाइन हुए थे, और उनकी मेहनत और उनके कारण हम अगले साल राइट 2006 में हम लोग प्लैटिनम गए। और उन्हीं की टीम में आज दीपाली वालिया एक सिंगल मदर है फाउंडर प्लैटिनम, उनकी टीम में है राकेश एंड मीनाक्षी गुप्ता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सफायर हैं, फिर हैं जेपी एंड हेमा, पिछले साल एमरल्ड गए हैं, वो भी इंजीनियर हैं, और उनकी वाइफ जो है वो आर्किटेक्ट हैं। उनके डाउनलाइन में जितेंद्र और प्रीति सोनकर दोनों मर्चेंडाइज में जॉब कर रहे थे राइट, और इस साल डायमंडशिप कंप्लीट कर रहे हैं। उसी की टीम में विकास एंड पुष्पा झा फाउंडर प्लैटिनम, उन्हीं के टीम में एक और है कुलदीप एंड विदुषी धनकर फाउंडर प्लैटिनम्स। रोय जी की एक और टीम है जिसमें मिस्टर समय सिंह एंड सोमवती यादव राइट, पिछले साल वो सफायर हुए, इस साल एमरल्डशिप कंप्लीट कर रहे हैं। फोर्थ लेग हमारी एक किसी को वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट दिया था, उसी के थ्रू किसी से मिला, मिलते मिलते लगभग अगेन 15-20 डीप जाके हमें एक कपल मिला मेजर मुकुंद एंड मनीषा सिन्हा, 2010 में जाके वो ज्वाइन हुए। ये लेग भी 2001 से चल रही थी, लेकिन गट्स चाहिए थे 9 साल तक उस में काम करते रहना डेप्थ। मुकुंद एंड मनीषा सिन्हा वो 2010 में ज्वाइन हुए, पिछले साल वो एमरल्ड गए हैं, उन्हीं की टीम में प्रवीण एंड अनु राइट, इस साल एमरल्डशिप कंप्लीट कर रहे हैं। पांचवी लेग में हमें एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर के थ्रू आते 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 नीचे हमें एक कपल मिला मनोज एंड ज्योति, दोनों इंजीनियर्स थे राइट, वाइफ अभी जॉब से रिटायर हो चुकी हैं, और मई 2012 में ज्वाइन हुए वो राइट, और अगले साल वो प्लैटिनम गए जब हम डायमंड गए, तो पिछले साल वो फाउंडर प्लैटिनम हुए हैं। छठी लेग में हमें हमने घर जिसको सेल किया था हमने उसको ज्वाइन करवाया, दिल्ली में घर था वो सेल किया उसको ज्वाइन करवाया, उसके डेप्थ में उसके कजन को गुड़गांव में ज्वाइन करवाया, गुड़गांव में बहुत से लोग ज्वाइन हुए, ये लगभग बात है 2003 की शायद राइट, 2003 या 2004 की बात है,
उसके नीचे चलते 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 हम जयपुर पहुंचे, और जयपुर से हम जब जयपुर जाते थे हर सैटरडे संडे हम लोग सवेरे निकलते थे जॉब के बाद, अगले दिन सवेरे 5 बजे निकलते थे, 11 बजे जयपुर पहुंचते, सारा दिन प्लान दिखाते, रात को वापिस आते और पेरेंट्स को ये बोलते थे हम रिवाड़ी गए थे, ऐसे ही बोलते थे कि रिवाड़ी नजदीक है। और कमाल देखिए सेल्फ टॉक का, 2012 मार्च में, 2003 से जो लैग चली, 2012 मार्च में रिवाड़ी में ही हमें ये हीरा अशोक पंडितन संतोष शर्मा मिले, और जिन्होंने अगले साल प्लैटिनम गए और हमारी डायमंड शिप कंप्लीट हो गई। जो हमारा 6ठा प्लैटिनम हुआ वो हमारा पहला डायमंड चला गया दोस्त, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, आप खाली विश्वास रखिए, काम करते रहिए। हमारी जो 7वीं लेग है, राइट, वो हमें एक बंदा फेसबुक से मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा था, ताइवान से। सोचिए आप बीज कहीं पे लगाते हैं, लेकिन इतने बीज लगाते हैं कि पता नहीं कोई चिड़िया चुग के कहां ले जाती है और कहां उग जाता है। ताइवान में बैठ के एक शख्स ने डिसीजन लिया, वो हिंदुस्तानी था लेकिन वहां रहता था, मुझे इंडिया जाके बिजनेस करना है, और वो इंडिया में आया। एक साल तक मुझे अप्रोच करता रहा लेकिन मैंने उसे घास नहीं डाली बोलते हैं, राइट। और एक साल बाद मैंने उसको कहा ठीक है आ जा इंडिया, वो इंडिया आया, ज्वाइन हुआ, राइट। वो 2014 में ज्वाइन हुआ और अगले साल प्लैटिनम चला गया, राइट। उसकी टीम में अभी सर्वेशन मंजू है, बहुत जबरदस्त कपल है, प्लैटिनम जा रहा है इस साल। 8वीं लेग में हमें प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढ रहा था, किसी को कॉल कॉन्टैक्ट किया, वो ज्वाइन हुआ, उसी के थ्रू होते 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 बहुत नीचे एक साल तक काम करते रहे, और हमें वहाँ पे एक कपल मिला, वरुण विशाल एंड अर्षिता, राइट, इंजीनियर हैं, उसकी वाइफ एक PSU बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, पिछले साल वो प्लैटिनम गए हैं। उनके टीम में अभी बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, रवि है, मोदीनगर में बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरठ में बहुत बड़ा बिजनेस है, सचिन और ईशा प्लैटिनम जा रहे हैं उनके नीचे इस साल, शशांक एंड रूबी हैं, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्ल्ड के टॉप 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में उस बंदे का नाम आता है, इस साल प्लैटिनम जा रहा है। उसी की टीम में प्रशांत है, राइट, मेरठ में तरुण है। 9th लेग में हमें उषाण राजीव एक कपल मिला, बिजनेस में एक्साइट हुआ लेकिन धीरे धीरे वो शांत होता चला गया, और उसके टीम में एक राजेश मिले हमें बहादुरगढ़ में, फिर एक लड़का मिला सिंगल स्टूडेंट है राहुल की टीम में हमें मिला एक लोकेश, वो इस साल प्लैटिनम जा रहा है। उन्हीं की टीम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनीष एंड मरिदुला कॉल्ड कॉन्टैक्ट किए थे, वो इस साल प्लैटिनम जा रहे हैं। अभी हर साल हम लोग अपनी लेग्स को ऐड करते रहे, आज भी हमारा टारगेट है हर महीने 5 से 10 पर्सनल ज्वाइनिंग करवाने का टारगेट अभी रहता है दोस्त, और वही रीजन है कि आज हम इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है, राइट। और अभी हमने 10वीं लेग स्टार्ट की, अभी विक्रम लेग्स मतलब और भी बहुत हैं, बट जो अभी प्लैटिनम जाने की तैयारी में है मतलब, राइट। तो 10वीं लेग में विक्रमजीत अभी पंजाब में रहता था, दिल्ली आया, अप्रोच हुआ, कॉल्ड कॉन्टैक्ट किया, ज्वाइन हुआ, और इस साल विक्रमजीत एंड गुरप्रीत, राइट, अमृतसर से वो प्लैटिनम जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ टीम में जबरदस्त हो रहा है, पर पहले दिन से हमने ओनरशिप ली थी, ये मैं आपको बता देता हूँ, राइट। पहले दिन से ओनरशिप थी, पहला प्लान खाली हमारी अपलाइन ने हमारे लिए देखा, पहली हाउस मीटिंग की थी, बाद में पता लगा उसने अपने लिए भी एक ही हाउस मीटिंग की थी, शायद इसलिए वो बिजनेस में नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट हाउस मीटिंग किसने की, हमने की, अगली हाउस मीटिंग हमने की। पहली बार ओपन मीटिंग में कौन लेके गया, कोई अपलाइन नहीं आई थी, गाड़ी लेके गई थी, हम लोग गए थे। प्रोस्पेक्ट को कौन लेके गया, हम लोग लेके गए प्रोस्पेक्ट को, ले गया, हाँ ये अलग बात है कि जैसे ही प्रोस्पेक्ट बीच में से उठ के चला गया हम भी बीच में से उठ के चले गए, राइट। बट अगली मीटिंग में फिर गए, BBS पहला हुआ तो हमने ब्रिट का ऑफिस ढूंढा, वहां पे टिकट खरीदी 5, 2 हमारे लिए, सोचा 3 प्रोस्पेक्ट लेके आएंगे, कोई नहीं आया, तो बाहर खड़े होकर टिकट नहीं बेच रहे थे, टिकट को फाड़ा, मुझे लगा टोटल कॉस्टिंग कर लेता हूँ, टोटल कॉस्टिंग की 1500 रुपए, ओके मेरी टिकट 750 रुपए की है, 300 रुपए की नहीं है, और मुझे लगा 300 रुपए की होती तो कम ध्यान से सुनता, भी 750 रुपए की और ज्यादा ध्यान से सुना और सीरियसली सुना उसको। अगले BBS में 10 टिकट खरीदी, 3 लोग आए, 7 फिर फाड़ दी, फिर कैलकुलेशन किया, टिकट की वैल्यू और बढ़ गई, और इस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड किया दोस्त। ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी, आपको डायमंड जाना है, डायमंड के रिवार्ड आपको मिलते हैं, तो ओनरशिप भी आपको लेनी पड़ेगी, आपको गट्स होने चाहिए दोस्त इस चीज के लिए। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, एक हाउस मीटिंग में पेस मीटिंग ले रहे थे, किसी ने पूछा कि सर, मैंने पूछा कि कोई क्वेश्चन है किसी का, तो एक शख्स बोला हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, सर मैं जब प्लान दिखाता हूं तो डर लगता है, मैंने ओके गुड। तो मुझे अचानक याद आया कि डॉक्टर बड़ैच अभी भी पीछे कनाडा में थे, तो वहां पे एक ग्रुप है उसमें मैसेज आता था कि आज फिर किसी को कॉल कॉन्टैक्ट किया, किसी को प्लान दिखाया, मैंने उसको ये एग्जांपल दिया, मैंने तुझे क्या लगता है डॉक्टर बड़ैच आज भी क्यों प्लान दिखाते हैं, तुझे क्या लगता है धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा आज भी पर्सनल ज्वाइनिंग क्यों करवाते हैं, बोला आपको मजा आता है, डॉक्टर बड़ैच को मजा आता है, मैंने कहा जिस दिन तेरा डर मजे में बदल जाएगा उस दिन तेरा बिजनेस चल पड़ेगा दोस्त, अपने डर को मजे में बदल दो दोस्त। विराट कोहली को आज मजा नहीं आता है, जिस दिन उसने पहली बॉल को शायद लिया था ना बचपन में, जब वो बॉल छूट जाती थी, जब उसके मुंह पे लगती थी, जब शीशा टूटता था, उस दिन भी वो उतना ही मजा लेता था जितना सेंचुरी बनाने में मजा लेता है दोस्त। तो आप अगर आज जब कुछ नहीं हो रहा है तब भी अगर मजे से इस बिजनेस को करेंगे तब आप डायमंड जाने वाले हैं, तैयार हैं, उसके लिए गट्स चाहिए होंगे दोस्त, उसके लिए गट्स चाहिए होंगे। एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, कोई भी एक जल्दी से स्टेज के ऊपर आएगा, राइट, मुझे पता है टाइम खत्म हो गया है, लेकिन जस्ट एक छोटी सी बात करेंगे जिससे शायद आपको ये बिजनेस बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
बहुत से लोग इस बिजनेस में आके किसी भी पिन पे रुक जाते हैं, जरूरी नहीं वो 6 और 9% है, किसी भी पिन पे उसका एक ही रीजन, जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ, मीनाक्षी और मैं जो एनालाइज कर पाए हैं, उसका एक ही रीजन है, कोई ना कोई क्वेश्चन है, कोई ना कोई डाउट है जो हमारे यहाँ घुस गया है दोस्त। लोग कहते हैं लोगों के क्वेश्चन है, लोगों के डाउट है, नहीं दोस्त, लोगों के और क्वेश्चन नहीं होते हैं, लोगों के डाउट नहीं होते हैं, डाउट और क्वेश्चन हमारे होते हैं। जिस दिन हमारे डाउट और क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उस दिन लोगों के डाउट और क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे दोस्त। मैंने और मीनाक्षी ने आज कसम से आपको बोलते हैं स्टेज के ऊपर से, कभी हमने अपलाइन पे शक नहीं किया, कभी अपलाइन पे डाउट नहीं किया, कभी अपलाइन को क्वेश्चन नहीं किया, कभी अपलाइन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, कभी अपलाइन के बारे में किसी को नेगेटिव नहीं दिया, कभी किसी को मेरी कोई डाउनलाइन बता दे किसी अपलाइन या क्रॉस लाइन के लिए कोई एक नेगेटिव बात मेरे मुंह से सुनी हो, क्या हमारे लिंग में नेगेटिव नहीं हुआ होगा? हुआ। जो सब कुछ सिचुएशन आपके साथ है, वो सारी सिचुएशन मेरे साथ में है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, क्या नाम है दोस्त? फाहिम साहब। फाहिम, फाहिम एक काम करिए, आप एक यहाँ चक्कर लगाइए स्टेज का, रुकिए रुकिए राइट, इतना जल्दी बिजनेस में रहो, और चक्कर लगाओ, मैं 10 गिनूंगा, 10 गिन के आपको यहाँ से वापस आना है, बल्कि 5 गिनूंगा, छोटा स्टेज है राइट, इधर से घूम के आना है राइट, पूरा चक्कर लगाएंगे, और आप यहाँ देखना क्या क्या गड़बड़ है, जैसे यहाँ पे ये सब फैला हुआ है राइट, यहाँ पे ये शायद गमला ठीक से नहीं लगा हुआ है, आपको ऐसे कुछ गलतियां ढूंढनी है, यहाँ पे क्या गलतियां हैं राइट, स्टार्ट विद देयर राइट, 1 2 3 4 5, कुछ चीजें मिली आपको गड़बड़ थी राइट, बिक्री में ये सब है गड़बड़। ओके, अब क्या करते हैं, ये ग्लास उठाइए, ये ग्लास लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है, वहीं से आपको फिर से ऐसे चक्कर लगाना है, और ये पानी की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे राइट, और 5 गिनूंगा, और फिर देखिए क्या क्या गलतियां हैं, कहीं पे पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी नहीं गिरना चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए, चलो राइट, नहीं कर पाएंगे दोस्त, नहीं कर पाएंगे, देखिए होता क्या है, होता क्या है, जब तक किसी चीज पे फोकस नहीं होता है, तब तक चारों ओर आपको नेगेटिविटी और गलतियां दिखती हैं। जब आपका ड्रीम पे फोकस हो जाता है, जब डायमंड शिप पे फोकस हो जाता है दोस्त, फिर आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती, कोई सिचुएशन नहीं दिखती, कोई कमियां नहीं दिखती हैं, बात फोकस की है दोस्त। एक सिंपल सी लाइन मुझे समझ में आती है, जब आप लोगों में और हालातों में, जब आप, थैंक यू दोस्त, जब आप लोगों में और हालातों में अपनी असफलता का कारण ढूंढना बंद कर देंगे, तो सफलता आपको ढूंढ लेगी दोस्त। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और हमारा दिन आजकल बहुत अच्छा बीतता है, सवेरे हम लोग मस्ती करते हैं, सवेरे हम योगा करते हैं, आपने देखा, उसके बाद हम डांस क्लास जाते हैं, आपने देखा, अभी एक कोई डांस टीचर थी, वो डांस टीचर पता है कौन है, वो एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है नच बलिए, उसकी फाइनलिस्ट है, जो हमें डांस सिखाती है, हम उसके ग्रुप क्लास में नहीं जाते, पर्सनल हमें सिखाती है। मेरा सवाल आपसे एक ही है, आप डायमंड जा रहे हैं क्या? आप लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं? लेकिन आपको ये बता दूं दोस्त, 500 साल की जिंदगी नहीं है, छोटी सी लाइफ है, आपके माँ बाप शायद वेट कर रहे हैं आपकी हैंड रेजिंग का, आपके शायद बच्चे वेट कर रहे हैं आपकी हैंड रेजिंग का, आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन शायद वेट कर रही है आपकी हैंड रेजिंग का दोस्त, हम लोग वेट कर रहे हैं आपकी हैंड रेजिंग का। आप डायमंड जाएंगे या नहीं जाएंगे ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है डायमंड कब जाएंगे दोस्त, आज ये डिसाइड करते हैं। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.